वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली सो गाइज आज मैं यहाँ पे आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ दैट इज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर बट प्रोटीन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रोटीन किस चीज़ से मिल कर के बनते हैं सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक प्रोटीन जो है प्रोटीन बनते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिल कर के जो अमाइनो एसिड्स हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल कर के जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं अमाइनो एसिड जो है वो आपस में कोई भी अमाइनो एसिड है हमने कहा कि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल कर के प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में लिंक होते हैं पैप्टाइड बॉन्ड से पैप्टाइड बॉन्ड से ये आपस में लिंक होते हैं एंड देन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली प्रोटीन जो है वो प्राइमरी प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन टर्सरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन फोर टाइप्स के प्रोटीन के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी तो सबसे पहले uh, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो आप देख रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ सिंपल प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन को जो है प्राइमरी प्रोटीन कहा जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो होंगे और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे दैट इज प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोटीन की तो जो सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हम आज के लेक्चर में जो है मैं आपको समझाऊंगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है दैट इज़ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स आपने अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कभी भी सुना होगा या कभी पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट के बारे में ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसे ढंग से समझिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलिक्स अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात करें तो अल्फ़ा हेलिक्स जो है अल्फा हेलिक्स में जो कॉमन अमाइनो एसिड्स जो पाए जाते हैं देस अमाइनो एसिड्स आर मिथ्योनिन एलेनिन ल्यूसिन ग्लूटेमिक एसिड एंड लाइसिन ये चारों अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये बिल्कुल कॉमन है जो कि पाए जाते हैं अल्फा हेलिक्स में ठीक है तो अल्फ़ा हेलिक्स भी फर्दर जो है डिवाइड होता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स में अब यहाँ पे जो लाइफ लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स हैं राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट है लेकिन जो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स है ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है देन लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ऐसा क्यों इसका क्या रीज़न है इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इनमें हिंड्रेंस कम होती है राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स में हिंड्रेंस कम होती है देन लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में होल्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं आपस में टाइटली होल्ड होते हैं एक दूसरे से यहाँ पे अल्फा हेलिक्स की अगर हम बात करें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होती है तो उसमें जो अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं वो अल्फ़ा हेलिक्स वहाँ पे मिलते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर मिलते हैं वो इसलिए क्योंकि ये पोलर भी होते हैं एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड दोनों कंटेन करता है अल्फाइलिक्स तो अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढंग से पढ़ी हो आपने देखा होगा कि उसमें पोलर एंड नॉन पोलर दो तरह की साइड्स uh, होती हैं तो पोलर जो वाटर लविंग होंगे अमाइनो एसिड्स वो और नॉन पोलर जो वाटर हेटिंग होंगे तो अल्फा हेलिक्स दोनों uh, को कंटेन करता है पोलर भी एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को भी ओके सो यहाँ पे अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सेकेंडरी uh, स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रेसिड्यू है फर्स्ट अमाइनो एसिड है ठीक है ये डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं ये डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में मिल करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोनाइल ग्रुप ओके कार् फर्स्ट अमाइनो एसिड का ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है किससे इंट्रैक्ट करेगा एन प्लस फोर एन प्लस फोर यानी फिफ्थ फिफ्थ अमाइनो एसिड के एन एच ग्रुप से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और इसका ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप है ये अटैच है जो फिफ्थ अमाइनो एसिड यानी एन प्लस फोर जो अमाइनो एसिड है उसके एन एच ग्रुप से आपस में अटैच हैं ठीक है ठीके? तो इस तरह से जो होता है ये अटैच होते हैं अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको जो याद रखनी है अच्छे से दैट इज़ इसका पिच कितना है पर टन कितने रेसिड्यू यहाँ पे मिलते हैं रेसिड्यू राइस कितना है सो so, ये चीज़ें आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से जो है अपने दिमाग में रखनी है तो जो पिच होती है इसकी दैट इज़ फाइव पॉइंट फोर ओके और पर टन पर टन जो रेसिड्यूज़ अमाइनो एसिड के पाए जाते हैं दैट इज़ थ्री पॉइंट सिक्स एंड रेसिड्यू राइज इज़ वन पॉइंट फाइव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप गेट या सी एस आई आर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं सो so आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है ओके okay? ये हमारा अल्फा हेलिक्स के बारे में था कि अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं ओके नेक्स्ट इज़ बीटा शीट अब बीटा शीट्स क्या होते हैं बीटा शीट में जो कॉमन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं दैट इज़ टायरोसिन ट्रिप्टोफैन फिनाइल एलेनिन ये सारे जो होते हैं बाउंड्री पे होते हैं ठीक है और जो मिडिल में पाए जाते हैं मिडिल में जो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं दीज आर थ्रियोनिन वेलिन आइसोल्यूसिन ये सारे जो हैं मिडिल में आ, पाए जाते हैं बीटा शीट्स के तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से कि कौन से अमाइनो एसिड जो हैं बाउंड्री पे हैं और कौन से अमाइनो एसिड जो हैं मिडिल ऑफ बीटा शीट्स हैं तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आ, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब फर्दर बीटा शीट्स के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीटा शीट्स फर्दर डिवाइड होती हैं पैलर एंड एंटी पैलर तो अब पैलर और एंटी पैलर का क्या मतलब है पैलर बीटा शीट्स में ये, जो है वो कम स्टेबल होता है देन एंटी पैलर एंटी पैल बीटा शीट ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो इसलिए क्योंकि वेल अलाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें होता है ठीक है अब आप बोलेंगे वेल अलाइंट हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे मतलब तो मैं यहाँ पे आपको ये डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ कि ये आप जो देख रहे हैं ये आप जो देख रहे हैं ये है बीटा शीट और ये जो है ये है एंटी पैलल बीटा शीट तो पैलल बीटा शीट में क्या होता है पैलल बीटा शीट में आप देख रहे हैं कि सी टर्म ये सी टर्मिनस और दूसरी साइड का भी सी टर्मिनस यानी दोनों साइड जो है सी टर्मिनस प्रेजेंट है और इसके इस एंड में एन टर्मिनस और इस वाले आ, प्रोटीन की चेन में भी एन टर्मिनस प्रेजेंट है तो यानी कि सेम साइड जब प्रेजेंट होती हैं वो हो गया पैरलर ओके और एंटी पैरलर यानी एक साइड तो यहाँ पे जो है एन टर्मिनस है दूसरी साइड कार्बोनाइल टर्मिनल ठीक है यानी अपोजिट टर्मिनल्स है यहाँ पे यहाँ पे अपोजिट टर्मिनल है तो ये एंटी पैरल हो गया अब जिस कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है वो कारण ये है कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ पैरल में तो ये जो बॉन्डिंग है ये जो बॉन्डिंग है ये डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है ये वेल अलाइंट नहीं है आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे ऐसे में ये बॉन्ड बन रहा है ठीक है वेल अलाइंड ये नहीं है लेकिन अगर आप एंटी बीटा शीट को देखें तो एंटी बीटा शीट में जो आ, बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बिल्कुल कैसे बनता है बिल्कुल वेल आ, अलाइंड होता है ओके जैसे आप ये एन एच देखें और ये सी ओ देखें तो इसमें जो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे ये सीधा ये बॉन्ड बिल्कुल सीधा बनेगा ठीक है तो यहाँ पे वेल अलाइंड बॉन्ड बन रहा है जबकि ऐसा उसमें नहीं होता है पैलल में ओके तो इस तरह से यहाँ पे वेल well अलाइंड है ठीक है यानी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट बन रहा है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बनता है तो यही कारण है कि एंटी पैलल बीटा शीट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन पैलल बीटा शीट तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि प्रोटीन क्या होते हैं कैसे बनते हैं और प्रोटीन के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको आज सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ाया तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट में क्या डिफरेंस है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो आपको अच्छे से याद रखना है वो चीज़ है ये कि अल्फ़ा हेलिक्स में जो पिच होती है वो कितनी होती है पर टर्न uh, रेसिड्यूस कितने होते हैं और कौन ज़्यादा स्टेबल होता है और ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपस में इनको कनेक्ट करके रखता है सो so, uh, ये आज का टॉपिक था अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू